भाई साहब, टाइल वाला तो आ चुका है। ये बन रहा है, ये क्या बना रहे हो भाई? टाइल वाले ही हो ना? जी जी। अच्छा, ये क्या बना रहे हो? बोन बना रहे हो। अच्छा, वो जो टाइल जिसपे चिपकेंगे वही है ना, सीमेंट से जो बना रहे हो? गिरेगा तो नहीं ना ये, इसका पानी बाहर निकल जाए। गुड गुड, शुक्र है आप लोग आ गए भाई। ये सारे टाइल रखे हुए जो मेरे कमरे में लगने के हैं, इतने ज्यादा। और तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? हाँ, ये सारा कचरा उठा के बाहर फेंको कहीं। खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं खाया तुम लोगों ने? अभी काम तुम लोगों ने करा नहीं है, खाने की फिक्र तुम लोगों को पहले लग गई। दोपहर से नहीं खाया। क्या बज रहा है? देखो क्या टाइम हो रहा है अभी। 5:30 हो रहे हैं। बस तुम लोग ये फटाफट अपना काम निपटाओ, उसके बाद मैं तुम्हें चाय भी पिलाऊंगा, समोसे भी खिलाऊंगा। चल झूठ, फटाफट करो। ओ भाई, यहाँ पर तो पर्दा भी लग गया है मेरे कमरे में टाइल लगने के लिए। तो चलो भाई अंदर चल के देखते हैं क्या पोजीशन है। ओ, यहाँ तो कोई है ही नहीं भाई। मैं तो समझ रहा था लग रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं काम हो रहा है, काम हो रहा है। ये सब दीवार थोड़ी थोड़ी उखाड़ दी है क्योंकि इस पे टाइलों को चिपकना है। तो अगेन ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और मेरा ब्लॉग बगैर सलाम के तो स्टार्ट ही नहीं होता। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब हमेशा की तरह और पहले की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो टाइल वाले भाई आ चुके, अपना अपना काम वो कर रहे हैं। अभी देखते हैं हम के टाइल कितनी देर में लगते हैं, 2 दिन में लगते हैं या 1 दिन में लगते हैं। मैनेजर साहब तुम कहाँ घूम रहे हो? इधर आ जाओ, टाइल वाला आ गया भाई। मुझे तो लग रहा था टोपी वोपी ना करवा दे कोई आज। नहीं यार, आना तो था। हाँ, ये देखो सब दीवारें उसने खुरच दी हैं। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हम लोग अपना काम करके यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, कितनी देर में लग जाएंगे वैसे टाइल? देर में नहीं लगेंगे, रात को तकरीबन 12 बज जाएंगे। फिर बस करें फटाफट स्टार्ट। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो खैरी आफियत से। ओके ओके, इसको खैरियत से खत्म करें आज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर अभी चल रहा है टाइलों का हिसाब किताब के, कितने हिसाब से टाइल लगानी है ये पूरा नाप रहे हैं ये लोग। बहुत ज्यादा अच्छे टाइल हैं। हाँ यार, मैं खुद अभी तुम्हारे सामने देख रहा हूँ कितने मैचिंग करेंगे। एक मिनट, टाइल उठाओ, दीवार पे लगाओ, दीवार पे लगाओ, टाइल दीवार पे ला के देखो कैसे करेंगे मैचिंग। नीचे करो ना थोड़ा सा, इधर लगाओ, इधर इधर ज्यादा रोशनी। हाँ इधर लगाओ। टाइल तोड़ दिया। ये कौन से टाइल आ गए जो एकदम इसने पर हाथ रखा और टूट गए? यार हुसैन, तू तो बच गया। मैंने सिर्फ यूं ऐसे यूं टच करा है। चलो भाई एक ही पीस को रख दो, अब टूट गया, अब क्या करें? एक पीस को लगा के तो देखो। मैं देखूं थोड़ा सा। हाँ यार हुसैन, अच्छे लगेंगे, सच में अच्छे लगेंगे। ये लाइट जो हमने लगाई हुई है ना, इस हिसाब से ये टाइल बहुत अच्छे लगेंगे। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, इन लोग को अपना काम करने देते हैं। थोड़ी देर बाद जब आधे टाइल लग जाएंगे ना, उसके बाद फिर हम मिलेंगे। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ अभी चाय पी लेते हैं यार, मुझे चाय पीने का दोबारा से दिल करता है। मैनेजर साहब, मैं चाय पी के निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे है काम। अब आप देखोगे सारा। अच्छा, मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं बॉस हूँ। आप ये भूल गए। सॉरी बॉस, आप देखोगे सारा काम। टाइल लगने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है मेरे कमरे में। टाइल वाला बोल रहा है कि लग जाएंगे, पूरे 12 बज जाएंगे लेकिन टाइल लग जाएंगे। हाँ, फिर पूरा कमरा हमारा रेडी हो जाएगा आज। मम्मा हमारे लिए चाय तो बना दो, अभी तो खाना बन रहा है घर में। अभी खाने के बाद बनाऊंगी। अच्छा, आपने अभी चाय बनाई है? कहाँ है? लो भाई, हम लेट हो गए। मैं खुद बना लूँ? मैं बना लेता हूँ चाय। पतीली दे दो, मैं चाय बना लूंगा। कारपेंटर साहब, आपको पीनी है? नहीं मैंने पीनी है, आप पिए, चाय तो बनाना सीख लोगे। कारपेंटर साहब, मैं शेफ बन चुका हूँ, चाय मुझे बनाना आती है। आपने मुझे काम करने के लिए बुला लिया यहाँ पर? तो काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए बुलाया। अच्छा, हेल्प करने के लिए बुलाया, कर देते हैं आपकी हेल्प। अब ये शीट भाई मुझे पकड़नी पड़ेगी, जब ही कारपेंटर साहब ने बुलाया। अब ये आप इसको रोके, दोनों हाथों से शीट पकड़ लेंगे। सही है सही है, पकड़ लेंगे, आप बस लगाना शुरू करें, काम तो हो रहा है ना भाई हमारा, जल्दी जल्दी तो कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी हेल्प। कोई नहीं भाई, आ गया भाई कारपेंटर साहब में ऊपर, अब क्या करना है? जाओ, आगे धक्का दें इसको। हाँ ये मिल गई, अब वहां से ऊपर करनी पड़ेगी। ओए ओए, गिर रही है। भाई मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, वरना तो उससे पहले ये नहीं लेगी, दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी इसको। A few moments later, हमने शीट ऊपर पूरी चुपका दी है, अब कारपेंटर साहब का काम है, मैं उतर जाता हूँ। ठीक है, हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। चाय पूरी रेडी हो गई है हमारी, और कलर कितना अच्छा है। ये लो मैनेजर साहब, जी यहाँ रख दें बॉस। हाँ, पी के बताना इसका, तो मुझे टेस्ट बताना कैसा है। ठीक है,
3 hours later. हमारे कमरे के टाइल तो पूरे लग चुके हैं, आधे से ज्यादा टाइल तो लग गए। कौन बोल रहा था मुझे, नहीं कौन मुझे बोल रहा था कि 12 बज जाएंगे इसको लगाते लगाते। मैंने बोला था। आपने बोला था ना जी। तो इतनी जल्दी क्यों लगा दिया आपने? जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं बोल रहा हूँ काम ना पिल जाए, काम बिल्कुल एक नंबर होना चाहिए। हाँ कमरे में कितने सारे लोग भरे हुए हैं यार, एक मैं भी आउट हो गया। मैं तो बोल रहा मैं बाहर चला जाता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर आते हैं, फिर देखते हैं कि कितना काम हमारा हो चुका होगा। जब तक कारपेंटर साहब मैं तो जा रहा हूँ पलटे के पीछे, मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे तरीके से इनसे काम करवाएं। आप अंदर ही है ना? बिल्कुल, बस मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद आऊंगा। टाइम हो चुका है हमारे पास 1:27 और मम्मा कमरा तैयार हो चुका है, बस हमें इस पर्दे को क्रॉस करके जाना है। चलें। मैं सो भी गई थी पता है, टाइल लगने में काफी टाइम लग गया। सो गाइस फाइनली हमारे कमरे में टाइल लग चुकी है और कितनी जबरदस्त लग रही है, माशाल्लाह। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है टाइल। ये टाइल लगाने में बहुत ज्यादा ही देर हो गई है, उन्होंने बोला था, हमें टाइम दिया था कि 12 बजे लगा देंगे, लेकिन उन्होंने बजा दिया है देर। हाँ इतना टाइम लग गया, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अभी मैं आपको करवाता हूँ कमरा विजिट के कमरे की हालत क्या हो रही है टाइल के साथ, लेकिन टाइल लगने के बाद कमरा बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये देखें मेरा रूम पूरा तैयार हो चुका है टाइलों के साथ। यहाँ पर हमने टाइल नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ पर आ जाएगी अलमारी जो अभी बिल्कुल खुल चुकी है। कौन से वाले? ये नहीं लगेंगे। नहीं ये हाँ यहाँ पर जैसे अलमारी पहले लगी हुई थी ना वैसी अलमारी लग जाएगी जब ये छोड़ दिया है। बाकी कमरा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सेट हो जाएगा तो। हाँ जब कमरा हमने पूरा तोड़ा था ना तब कमरा बहुत छोटा लग रहा था, और अभी टाइल लगने के बाद कमरा बड़ा लग रहा है। टाइल वाले खुद बोल रहे हैं कि कमरा आपका बड़ा लग रहा है, अब पहले छोटा लग रहा था। टाइटे तो वैसे कल लग गई थी, आज लगे हैं सिर्फ और सिर्फ टाइल। टाइल वाले ने बहुत देर कर दी, वरना तो ये बहुत जल्दी लग जाता, यानी अगर वो सुबह आते ना तो इनका काम हो जाता 6 बजे या 7 बजे, इनका काम कम्प्लीट था कम्प्लीट। मैं ये देखो पूरी टूट गई है, सब कुछ खराब हो गया था। हाँ ये भी चेंज करवाएंगे, जब सब कुछ चेंज करवा रहे तो एक साथ ही काम करवाना ताकि लंबा चले लंबा। ओए होए बाथरूम की हालत क्या हो रही है, कितना गंदा करके चले गए। सब साफ हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा बाद में, अभी तो गंदगी इस पे होने दो। मैं तो बोल रहा कल अगर कोई फिर काम हुआ फिर दोबारा गंदा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको गंदा ही रहने देते हैं। भाई जब पूरा कमरा फिनिश हो जाएगा ना उसके बाद एक एक चीज को हम चमकाएंगे। अच्छा हम अपने मिनी वर्ल्ड हाउस से फारिग होके आए तो यहाँ पर लगे थे टाइल, तो मैंने बोला यार के ब्लॉग तो बनना चाहिए लाजमी, जब भी मैं इसका इतना इंतजार कर रहा था जब से आया था, जब से मैं इनके साथ ही था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा जो एक ही दिन में बना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे घर पे लगे थे टाइल, तो मैंने सोचा कि यार नई ब्लॉग तो लाजमी होना चाहिए। हम अपने मिनी वर्ल्ड फार्म हाउस से फारिग होके आए तो उसके बाद हमारे टाइल लगना शुरू हो गए थे और बहुत खूबसूरती के साथ लगे हैं माशाल्लाह। मुझे तो अपना कमरा बहुत पसंद आ रहा है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में देखते हैं कि हमारी कल की रूटीन क्या होती है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।